गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, यू आर वंस अगेन मोस्ट वेलकम इन अवर चैनल केमिकल गुरु। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर क्लास आप 9, 10, 11, 12 सीएससी बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो इस चैनल को अभी तुरंत लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। डियर स्टूडेंट्स, चलते टॉपिक पर। क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 लाइफ प्रोसेस चल रहा था, जिसके हमने आज से पहले 13 पार्ट अपलोड कर दिए थे। दिस इज द 14th पार्ट और ये चैप्टर आज इस चैप्टर का एंड हो जाएगा। इसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे, जो है फिजिक्स करेंगे स्टार्ट। तो आज देखते हैं, हम बात करते हैं कि डायलिसिस क्या है ना। डायलिसिस क्या है? डायलिसिस का मतलब समझिए आप कि कभी कभी देखा होगा लोगों में क्या होता है। इससे पहले हमने किडनी की बात की थी, किडनी फेलर। अगर किडनी फेल हो जाती है तो उस केस में क्या होगा? किडनी फेल हो जाती तो ब्लड जो है वो हमारा क्या होता है, क्लीन नहीं हो पाता है, ब्लड फिल्टर नहीं हो पाता है। दिस द ग्रेट प्रॉब्लम। और जो वेस्ट मटेरियल है वो क्या होता है कि वो सेपरेट नहीं हो पाता है, ब्लड में ही मिक्स रहता है। तो फिर क्या होता है कि वहाँ बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है ऐसे पर्सन को जिसकी किडनी फेल हो जाती है। तो उस केस में क्या करना चाहिए कि जब किडनी काम नहीं करे तो वहां पर ये डायलिसिस का यूज किया जाता है। किस लिए? ब्लड को फिल्टर करने के लिए डायलिसिस का यूज किया जाता है। आज हम समझेंगे कि डायलिसिस जो है किस मैकेनिज्म पर काम करता है और ये कैसे काम करता है डायलिसिस। चलिए आइए हम देखते हैं। तो सबसे पहले हमने एक टैंक ले रखा है, मैं इसका थोड़ा आउटव्यू समझा दूं। टैंक क्या है? पहले टैंक लिया है, ये हमारा आपका डायलाइजर है, ये पंप है, पुशिंग होती है। और क्या होता है इसके अंदर? हमने ग्लूकोज, मिनरल्स और साल्ट का सॉल्यूशन ले रखा है, फ्रेश है ना। इसके अंदर ग्लूकोज है और साल्ट और मिनरल्स इसका सॉल्यूशन ले रखा है। और इसके बाद ये जो आप देख रहे हैं, ये ट्यूब्यूल देख रहे हैं ना, दिस ट्यूब्यूल एक्चुअली मेड ऑफ द SPM, इट इज कॉल्ड द सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन। इस ट्यूब्यूल को हम लोग सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। और ये ट्यूब्यूल किसकी बनी होती है? ये ट्यूब्यूल क्या होती है, एक तरह से प्रोटीन की ही बनी हो सकती है या फिर हम कह सकते हैं सेलुलोज की बनी होती है। और SPM क्या होती है? एक ऐसी ट्यूब्यूल, एक SPM एक ऐसी मेम्ब्रेन है जिसके थ्रू कुछ सेलेक्टिव मटेरियल ही उसके अंदर जा सकता है, इसीलिए इसका नाम होता है SPM, सेलेक्टिवली परमीएबल मेम्ब्रेन। चलिए अब हम आगे बात करते हैं और स्टार्ट करते हैं इसकी मैकेनिज्म को देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, कोई एक पर्सन है जिसकी किडनी फेल हो चुकी, काम नहीं कर रही है, अब उसके ब्लड को मुझे फिल्टर करना है। हम कैसे ब्लड को फिल्टर करेंगे? अब हमने जैसे इससे पहले वीडियो बताया था कि जो हमारी बॉडी के अंदर दो ट्यूब टाइप ट्यूब्स होती हैं, एक को बोलते हैं रेनल आर्टरी और एक को बोलते हैं रेनल वीन। और जो रेनल आर्टरी होती है उस आर्टरी में कैसा ब्लड बताया था, उस आर्टरी में डर्टी ब्लड आता है। रेनल आर्टरी में डर्टी ब्लड आता है तो वहां से फिर क्या होता था, फिर वो आपका नेफ्रॉन में जाकर के वो आपका वोमेंस कैप्सूल, ग्लोमेरुलस, वहाँ फिल्टर होके पूरी प्रोसेस बताई थी। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि जो हमारी रेनल आर्टरी है उसमें डर्टी ब्लड आया है, उसको कैसे फिल्टर करते हैं। तो यहाँ देखो डर्टी ब्लड है और ये आपको देख रहे हैं, ये एक आपकी आर्टरी है। दिस आर्टरी एक्चुअली कनेक्टेड टू द रेनल आर्टरी और ये रेनल आर्टरी से कनेक्ट है जहां से ये डर्टी ब्लड लेकर के आता है। अब देखते क्या है कि ये डर्टी ब्लड यहाँ से जाता है, ये पंप लगा हुआ है, पंप का मतलब है कि यहाँ से पुशिंग करके इसमें से रेनल आर्टरी में से ब्लड खींच के इधर की ओर इसकी पुशिंग होती है, ठीक है। अब क्या हुआ कि जैसे ही यहाँ से ब्लड पुश होता है, ब्लड यहाँ से खींचता है रेनल आर्टरी से, डर्टी ब्लड है ये डर्टी ब्लड अब एंटर करता है इस सॉल्यूशन के अंदर, यही से काम स्टार्ट होता है। अब इस सॉल्यूशन के अंदर एक्चुअली होता क्या है कि जैसे ही सॉल्यूशन में होता है तो सॉल्यूशन में ग्लूकोज है, साल्ट है, मिनरल्स है, तो ग्लूकोज का जो कंसंट्रेशन यहाँ बहुत ज्यादा है तो ग्लूकोज क्या होता है इस SPM और SPM में ग्लूकोज मटेरियल अंदर जा सकता है, साल्ट अंदर जा सकता है, अलाउड हो सकता है, ठीक। तो यहां से इस SPM की तरफ ग्लूकोज इस SPM के अंदर एंटर करने लगता है, सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन के अंदर यहां से एंटर करने लगता है, ग्लूकोज एंटर करने लगता है और इस डर्टी ब्लड के अंदर जो वेस्ट मटेरियल है लाइक द यूरिया और जो वेस्ट प्रोडक्ट है, वेस्ट मटेरियल है, वो इस
ट्यूब के थ्रू बाहर निकलने लगता है, क्योंकि इसमें एक्सचेंज कैन टेक प्लेस। ये ऐसी ट्यूबुल होती है जहां पर मटेरियल एक्सचेंज हो सकता है, ग्लूकोज अंदर जा सकता है, यूरिया बाहर जा सकती है। तो यहां से क्या हुआ, जैसे ही ग्लूकोज मटेरियल अंदर एंटर कर गया, अब क्या था, और धीमे धीमे करके जब ये धीमे धीमे पास होता जाता है तो उतना ही ज्यादा ये साफ होता जाता, क्लीन होता जाता, वेस्ट मटेरियल बाहर निकलता जाएगा और ग्लूकोज इसके अंदर एंटर करता जाएगा, ग्लूकोज और साल्ट। तो अल्टीमेटली फाइनली हमने देखा यहां तक आते आते, तो फाइनली जब देखा कि धीमे धीमे डिफ्यूजन जो वेस्ट सबस्टेंस है वो डिफ्यूज होता जा रहा बाहर की ओर और ग्लूकोज एंटर कर लिया। जब तक यहां पर पहुंचे तब तक क्या हुआ कि दिस इज कंप्लीटली क्लीन ग्लूकोज एंड द साल्ट। यहां पर क्या था, यहां तक आते आते इसके अंदर जो वेस्ट मटेरियल था लाइक द यूरिया, वो क्या हो गया, इसके बाहर क्या आ सकते हैं डिफ्यूज, और भी कोई टॉक्सिक मटेरियल हो सकते हैं जो ब्लड के साथ चले आए थे, वो क्या होंगे, इसके साथ जो है पासिस आउट ऑफ दिस SPM सेमी परिमेबल मेम्ब्रेन से बाहर निकल जाते हैं। और यहां से हम क्या करते हैं, डायलाइजिंग सॉल्यूशन जो हमारा ग्लूकोज का और साल्ट का सॉल्यूशन है हाई प्रेशर पर लगाते हैं, प्रेशर पर लगाते हैं तो क्या होता है कि वो इसके अंदर एंटर करता जाता है और जो वेस्ट निकलता है, वेस्ट का मतलब जो यूरिया यहां से रिलीज होता है, वेस्ट निकलता है और वो वेस्ट मटेरियल यहां से क्या कर देंगे, वो यहां से निकल करके सॉल्यूशन के तो इधर साइड में निकलता जाता है, वेस्ट जो भी अगर टॉक्सिक मटेरियल है वो यहां से निकल के बाहर चला जाता है और क्या होता है ग्लूकोज अंदर, और फाइनली क्या होता है ये ग्लूकोज जो है इसमें से एंटर करके, और ये जो अटैच होती है ये जो ट्यूब्यूल देख रहे हैं, दिस ट्यूब्यूल एक्चुअली अटैच विद द रेनल वीन के साथ ये अटैच होती है और उस तरह से फिर पूरी बॉडी में ये क्या होता है क्लीन ब्लड का सर्कुलेशन होता जाता है। तो इस तरह से आपने देखा स्टूडेंट्स कैसे डायलिसिस सिस्टम काम करता है। डायलिसिस की आप डेफिनेशन भी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, डेफिनेशन लिखना चाहे नोट कर लीजिए, द प्रोसीजर यूज्ड फॉर क्लीनिंग द ब्लड, है ना, क्या कहेंगे कि द प्रोसीजर यूज्ड फॉर क्लीनिंग द ब्लड, ब्लड को क्लीन करने का जो प्रोसीजर है बाय सेपरेटिंग द वेस्ट सब्सटेंस लाइक यूरिया, और किसको सेपरेट करते हैं, वेस्ट सब्सटेंस लाइक द यूरिया, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द डायलिसिस। वंस अगेन यू कैन लिसन, एंड द प्रोसीजर टू क्लीन द ब्लड बाय सेपरेटिंग द वेस्ट सब्सटेंस लाइक यूरिया फ्रॉम द ब्लड इट इज कॉल्ड द डायलिसिस, और इसी प्रोसेस को हम लोग डायलिसिस बोलते हैं। इसके बाद हम स्टूडेंट्स बात कर लेते हैं, एक वर्ड आता है लिम्फेटिक सिस्टम, या हम इसको लिम्फ भी बोलते हैं। लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है, तो हम कहेंगे कि जैसे हमारी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन होता है उसी तरह से एक और सर्कुलेटरी सिस्टम इसी के पैरेलल में चलता है, उसको हम लोग लिम्फेटिक सिस्टम बोलते हैं। समझते हैं कि लिम्फेटिक सिस्टम ये एक्चुअली है क्या, तो हम कहेंगे कि ए लाइट येलो लिक्विड प्रेजेंट इन द बॉडी विच कंटेन द स्पेशल टाइप ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स। एक लाइट येलो लिक्विड होता है, ठीक है, समझना बात को, ए लाइट येलो लिक्विड प्रेजेंट इन द बॉडी विच कंटेन द स्पेशल टाइप ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स कॉल्ड द लिम्फोसाइट्स, जिसको हम लोग जो है लिम्फोसाइट्स बोलते हैं, एंड दीज लिम्फोसाइट्स हेल्प फाइटिंग अगेंस्ट द डिसीजेस कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और जो डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसके अगेंस्ट ये फाइट करते हैं, और इस तरह से तो इन्हीं को हम लोग क्या बोल देते हैं, लिम्फोसाइट्स बोल देते हैं या सिंपली लिम्फ बोल देते हैं। व्हेन दीज लिम्फ्स फ्लो थ्रू द सिस्टम ऑफ लिम्फ कैपिलरीज लिम्फ वेसल्स एंड द लिम्फ नोड देन इट इज कॉल्ड द लिम्फेटिक सिस्टम, इसी को हम लोग बोल देते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। फिर से एक बार समझ लो कि लिम्फेटिक सिस्टम क्या है, कि जैसे ब्लड का सर्कुलेशन होता है उसी तरह से लिम्फ बॉडी में प्रेजेंट होती है। लिम्फ एक्चुअली है क्या, लिम्फ का मतलब है कि एक येलो लाइट येलो कलर का लिक्विड है जिसके अंदर कुछ स्पेशल टाइप की व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं, वो प्रेजेंट होती है, वो क्या करती है उन्हीं व्हाइट ब्लड सेल्स को लिम्फोसाइट्स या फिर लिम्फ कहते हैं, वो बैक्टीरिया वगैरह जो भी डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको किल करने के काम करते हैं, और एक सिस्टम के अंदर वो फ्लो करते रहते हैं जिसमें
आपका लिम्फ वेसल्स आ जाती हैं, लिम्फ कैपिलरीज आ जाती हैं, लिम्फ नोड्स आ जाते हैं, जिसे हम लोग लिम्फेटिक सिस्टम बोल देते हैं। अब बात आती है जैसे लिम्फ नोड्स क्या, लिम्फ नोड्स का मतलब हमारी बॉडी में जहाँ जहाँ ज्वाइंट पोर्शन होता है उसको लिम्फ नोड, जैसे यहाँ से हम कह सकते हैं साइड से जैसे इस तरह से होते हैं लिम्फ नोड्स, देखा हुआ एकदम पसीना टाइप का जो निकलता है ना, तो उस तरह से क्या होता है जो भी टॉक्सिक मटेरियल है लिम्फ नोड्स के थ्रू बॉडी से बाहर निकलता रहता है, इसी को हम लोग जो है लिम्फेटिक सिस्टम बोल देते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि जो लिम्फ जो है ना, इसका लिम्फ का या लिम्फेटिक सिस्टम के फंक्शंस क्या है, क्या इसका इंपॉर्टेंस क्या है, तो देखो इंपॉर्टेंस की या इसके फंक्शंस की बात करते हैं। तो सबसे पहली अगर हम बात देखें कि जो लिम्फ है, लिम्फेटिक सिस्टम का जो फंक्शन है, पॉइंट नंबर एक, टू कैरी द लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स विच आर लेफ्ट बाय द ब्लड, और हमने कहा था ब्लड के पैरेलल में रहता है, कि मान लो ब्लड कोई मॉलिक्यूल को लेकर के जाता है, ब्लड का काम क्या होता है प्रोटीन मॉलिक्यूल को ग्लूकोज को एक जगह से पूरी दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने का काम होता है, और ये भी वही काम करता है, लेकिन जैसे मान लो ऐसे समझ लो कि आगे आगे कोई एक दूसरा पर्सन जा रहा है, ठीक है, और उसके उसके द्वारा कोई चीज छूट गई या रह गई तो ये दूसरा उसको उठा करके लिए जा रहा है, तो वही लिम्फेटिक सिस्टम काम करता है। ब्लड वैसे बहुत सारी चीजों को लेकर के कैरी करता है, लेकिन कोई मटेरियल बड़ा मॉलिक्यूल है प्रोटीन मॉलिक्यूल जिसको ब्लड नहीं ले जा सकता, उसको लिम्फेटिक सिस्टम जो है लिम्फ क्या करता है उसको उठा करके पकड़ लिया, उसको उठा करके ब्लड की मेन स्ट्रीम में डाल देता है, फिर उसको ब्लड कैरी करता जाता है, यानी उसी के पैरेलल में एक सिस्टम होता है। अब ये तो हो गया कि टू कैरी द लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स विच आर लेफ्ट बाय द ब्लड, है ना, ब्लड के द्वारा जो प्रोटीन मॉलिक्यूल छूट जाते हैं उनको ले जाने का काम ये करता है। दूसरी बात अभी हमने बताया कि इसका काम क्या होता है कि ये जो है किल द बैक्टीरिया और द जर्म्स प्रेजेंट, है ना, और कोई भी टॉक्सिक मटेरियल है, कोई बैक्टीरिया है, कोई जर्म्स है, डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, अगर बॉडी में गलती से एंटर कर जाता है तो ये लिम्फोसाइट्स को किल करने का काम करते हैं। और इसके अलावा और भी इसका काम होता है कि जो हमारी बॉडी के अंदर लाखों सेल्स डेली किल होती रहती हैं और नई सेल्स बनती रहती हैं, तो हम कह सकते हैं कि जो सेल्स डेड हो जाती हैं उन डेड सेल्स को बॉडी से बाहर निकालने का काम भी लिम्फोसाइट्स या लिम्फ सिस्टम ही करता है। कभी कभी देखा होगा एकदम गंदगी से हो जाती है शरीर पे, तो ये डेड सेल्स बॉडी से निकल के आती हैं, ठीक है, तो बॉडी जब बहुत दिन से अगर कोई इंसान जो है नहाएगा नहीं तो बॉडी से स्मेल भी आने लगती है, तो यही डेड सेल्स को बॉडी से बाहर निकालने का मतलब डेड सेल्स या टॉक्सिसिटी कोई जम जाती है, डिपोजिट हो जाती है, तो ये लिम्फोसाइट्स हैं ये बाहर निकाल देती हैं, इससे क्या होता है ब्लड को क्लीन करने का काम करती हैं। इसलिए आपको जो है कम से कम, मैं तो यही सजेस्ट करूँगा, डेली एक्सरसाइज करें, रेस्पिरेशन हो, पसीना जो है पसीना परस्पिरेशन हो, पसीना निकल जाए, तो जो भी टॉक्सिसिटी है बॉडी से बाहर निकलती रहती है, तो इस तरह से हम कहेंगे कि ये पूरा क्या कहलाता है लिम्फेटिक सिस्टम, या फिर इनको हम जो है लिम्फ बोल देती है। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप दैट कि आपको ये वीडियो ये लेक्चर कम्प्लीटली समझ में आ गया होगा, और इस तरह से आप इसको नोट कर लीजिएगा, जहाँ अगर छूट भी गया तो नोट कर लीजिएगा। और इसके अलावा आज ये चैप्टर जो आपका था लाइफ प्रोसेस कम्प्लीटली फिनिश हो चुका है, और इसके बाद फिर हम जो है अगला फिजिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है उसको लेंगे। और इस तरह से वीडियो, और अगर आप जो है 9th 10th 11th 12th जो भी स्टूडेंट है तो कंटिन्यू बने रहिएगा, जो भी फ्रेंड है कम्प्लीटली आप अपने इस जो है चैनल को शेयर करते रहिएगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।